नहीं। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हाउ टू काउंट विदाउट एक्चुअली काउंटिंग, समझ में आएगा? अच्छा, हेडिंग लिखवा देता, नहीं तो बोलोगे कि पढ़ाए नहीं हम लोगों को। द हेडिंग इज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे होगे तो कुछ एक प्रोसेस डिफाइन करके रख देगा, बोलेगा ऐसा 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 है, और अब बताओ कितनी तरीके से ये हो सकता है, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, इन हाउ मेनी वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, व्हाट आर द नंबर ऑफ वेज, यानी कि हमेशा वो नंबर ऑफ वेज की बात करते रहेंगे, समझ में आएगा? तो यानी अल्टीमेटली एवरी प्रॉब्लम सीम्स टू यू अ काउंटिंग प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम आपको क्या लगेगा, एक काउंटिंग प्रॉब्लम की तरह, समझ में आएगा? तो फिर हम लोग को कुछ और तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिससे हम इस कैलकुलेशन को ईजी कर पाएं, समझ में आएगा? तो दैट इज द होल पर्पस, हाउ टू काउंट विदाउट एक्चुअली व्हाट काउंटिंग, समझ में आएगा? तो इसमें कुछ रूल्स हैं जिसको हम लोग एक एक करके इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और अगर उसको हम अच्छे समझ जाएं तो मेरे ख्याल से तो बहुत सारी चीज़ें अच्छे से आ जाएंगी। बट फिर भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में इनिशियली बच्चों को चैलेंज तो फील होता है, चैलेंज इस बात का फील होता है कि ठीक है वो सवाल कर भी लेते हैं लेकिन आंसर उनका नहीं आता। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि बहुत हद तक उनका सब कुछ सही रहता है, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा होगा कि कोई एक पर्टिकुलर तरीका छूट गया हो या कुछ केस छूट गया हो, समझ में आया क्या? तो कुछ ना कुछ ऐसा छूट जाता है जिसकी वजह से वो जो है आंसर के थोड़ा दूर रह जाते हैं, या कभी कभी क्या होता है कि हम ओवर काउंट कर लेते हैं, ओवर काउंट करने में क्या होता है कि हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना? तो दोनों चीज़ों पर ध्यान रखेंगे, और मेरा फिर से एक कह लो जो भी है, तो एक सिंपल सी बात है कि कोशिश करें कि तरीकों को थोड़ा सा फिक्स कर लें, क्योंकि क्या होता है कि हम कोई तरीके से सॉल्व करते हैं सवाल को, ठीक है, सॉल्व करने के बाद क्या होता है, पता चलता है अरे ज़्यादा आ गया, कभी पता चलता है कम आ गया, ठीक है ना? ये चलता रहेगा, ठीक है, पक्का आ गया नहीं आ गया ये तो समय बताएगा, ठीक है? तो मान लो ज़्यादा आ गया, तो ज़्यादा में जैसे जनरली क्या होता है, ओवर काउंटिंग हुई होती है, समझ में आएगा? तो मैं उस समय जैसे कोई पूछता भी है कि सर ओवर काउंटिंग कैसे है, दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा कि ओवर काउंटिंग है, तो उसे मैं बता देता हूँ कि भाई देखो वैसे ओवर काउंटिंग हुई हुई है, आप इसको देख लो ध्यान से, ठीक है? फिर क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो फिर से क्या करता है, वही मेथड फिर से लगा देता है, फिर से ओवर काउंटिंग हो जाती है, और फिर से पूछता है कि सर ओवर काउंटिंग कैसे हो। तो भाई इस वाली रिग्रेस प्रोसेस को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, यानी कोशिश ये करेंगे कि जब हम कोई मेथड इंट्रोड्यूस कर दें तो आप अपना थोड़ा सा दिमाग का जो कोशेंट है ना उसको लगाना छोड़ दीजिए। अगर उस तरह का सवाल आ रहा हो तो जो मेथड बताया गया है, ठीक है ना, जिसमें काउंटिंग मतलब ओवर काउंटिंग रहित जो मैंने बात बताई है, समझ में आ गया, उसी का यूज करें। ऐसा नहीं कि बार बार अपना दिमाग उसमें घुसेड़ें। हाँ, कुछ नई चीज आ रही है तो डेफिनेटली आपको अपना घुटना या दिमाग जो भी है वो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है? लेकिन जब भी कोई पुराने टाइप का प्रॉब्लम आए तो उसमें अगर फिर से ओवर काउंटिंग हो रही थी उसका मतलब आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? तो यानी जब कभी भी हम लोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, हमको लगता है कि नहीं यार आंसर नहीं मिला, लगेगा, ठीक है, और फिर लगता है कि नहीं ओवर काउंटिंग वाला प्रोसेस है, क्योंकि कम रहने वाले में जनरली कोई केस छूट जाता है, समझ में आया क्या? तो केस छूटना इतना बुरा नहीं माना जाता है, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये इतना खराब सिंबल नहीं है, ठीक है? छूट गया केस तो कोई उसमें ज़्यादा मगजमारी नहीं है, उसको अपन थोड़ा मेहनत करेंगे तो सेट हो जाता है, लेकिन ओवर काउंटिंग वाला इशू रहता है हमेशा, कि बच्चे क्या करेंगे फिर से वही बेसिक से चालू कर देंगे कि अच्छा मैंने पहले दिन ये सोचा था यही गलती की थी, आज भी मैं वही करूँगा नहीं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपन उसको फिक्स कर दे, जब भी एक बार इस तरह के तरीके अगर कुछ दिख रहे हैं कि नहीं इसमें ओवर काउंटिंग इस तरीके से जो मैं सोचता हूँ उसमें ओवर काउंटिंग हो जाती है, तो डोंट गो थ्रू दैट मेथड अगेन, जो फिर आपको सजेस्ट किया जाए क्लास में फिर आप उसी मेथड के थ्रू जाने की कोशिश करेंगे, समझ में आएगा? तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा पूरे उसमें, ठीक है? दूसरा हम लोग बोल रहे हैं क्या कि एक्चुअली वी हैव टू एड्रेस दिस थिंग कि हाउ टू काउंट विदाउट एक्चुअली काउंटिंग, ठीक है? इसको हम लोग एक नाम से ही बोल सकते हैं, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इन शॉर्ट FPC, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इस फंडामेंटल प्रिंसिपल में दो रूल हैं, ठीक है ना?
रूल वन है मल्टीप्लिकेशन रूल और रूल टू है एडिशन रूल, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा लिखवाऊंगा उखवाऊंगा नहीं, ठीक है ना। बाकी ये फील करने वाली बातें हैं, जितना समझोगे उतना बढ़िया कर पाओगे, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में एक तो है आपका मल्टीप्लिकेशन रूल, और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जनरली इसी से काम चलेगा, लेकिन जनरली बच्चे जो हैं ये सीख जाते हैं, इसमें इतना इशू नहीं आता। लेकिन अगर ऐसा बोलने से किसी के मन में कोई प्रभाव पड़ा हो तो उसको हटा देना, नहीं भी सीखते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में एक तो है आपका क्या, मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। बहुत बोरिंग सा एग्जांपल है और बहुत सिंपल सा है, ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा परेशान मत होना। और पर्पस ये नहीं है कि इस क्वेश्चन का आंसर कर देना, अभी जो क्वेश्चन अभी एक लिखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन रूल को समझाने के लिए, ठीक है, बहुत सड़ा हुआ एग्जांपल है, ठीक है, उसका आंसर करना इज़ नॉट द पर्पस, ठीक है। उसका आंसर अगर आज कर भी लोगे तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। हम लोग बस उसको समझाने के हिसाब से ये रूल क्या है उसके लिए बस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना, उससे ज़्यादा इसका कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं सोचना है कि सर ये सॉल्व कर लिया तो बस हो गया मेरा काम कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। ये अगर नहीं भी पढ़ाया जाए तब भी कर लोगे, ऑब्वियस आते तभी बोल रहा हूँ, बहुत सड़ा हुआ है। जैसे हम लोग बोलेंगे क्या कि तीन स्टेशन हैं, स्टेशन सुना होगा तुम लोगों ने, कोटा स्टेशन ऐसे ऐसे है, कौन सा, डकनिया, डकनिया, ठीक है, गुड, हाँ रेलवे स्टेशन, बहुत बढ़िया। अच्छा प्ले स्टेशन, ताला लगे, तीन रेलवे स्टेशन हैं, ठीक है, जिनके नाम है क्रमशः ए बी और सी, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे कि देर आर थ्री वेज, ठीक है, जिससे हम लोग बोलेंगे कि ए से बी पहुंच सकते हैं, मतलब स्टेशन ए से स्टेशन बी तक पहुंचने के हम लोग बोल रहे हैं कितने रास्ते हैं, तीन। और स्टेशन बी से स्टेशन सी पहुंचने के हमारे पास कितने रास्ते हैं, दो, ठीक है। एक आदमी जो कि स्टेशन ए पे है, ठीक है ना, हम लोग बोले देर आर थ्री स्टेशन प्लेस सॉरी रेलवे स्टेशन ए बी एंड सी, और ए से बी जाने के कितने रास्ते हैं, तीन, बी से सी जाने के कितने रास्ते हैं, दो। अब हम लोग बोलेंगे कोई एक आदमी है जो स्टेशन ए पर है ग्राउंडेड, ठीक है, अब हम लोग बोलेंगे उसको जाना है सी, स्टेशन ए पे है और उसको कहाँ जाना है, सी। क्वेश्चन में लिखा रहेगा वाया बी, नहीं ऐसा नहीं कि हवा में उड़ते हुए जाए, ठीक है ना। हम लोग बोलेंगे क्या कि मान लो कि रोड ट्रिप ही है, या हो सकता हो कि तीन अलग अलग हो, एक रोड का हो, एक हवाई मार्ग हो, एक पता नहीं लेटते हुए जाना हो, जो भी हो तो हम लोग बोलेंगे ए से बी तक जाने के तीन रास्ते और बी से सी तक जाने के दो रास्ते हैं, कोई भी रास्ते होंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या कह रहे हैं कि ए पे आदमी है और उसको सी जाना है और वाया क्या है, बी जाना है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मेनी वेज ही कैन डू दिस, छः आंसर कर दिया बच्चे ने, तो हम लोग बोलेंगे कि शाबाशी मिल गई है, चलो अच्छा लगा कि हम लोग आपस में एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, यही जरूरी है क्योंकि और तो कोई आने वाला है नहीं अप्रिशिएट करने, तो आपस में एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, वेरी गुड। तो हम लोगों ने क्या कि ए से बी जाने के तीन रस्ते, बी से सी जाने के दो रस्ते और ए से सी जाना है वाया बी, इन हाउ मेनी वेज ही कैन डू दिस। तो जैसा कि आंसर भी आ गया अपने पास क्या है, सिक्स तरीके हैं, ठीक है, काउंट कर सकते हैं, एक, दो, फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग भी दो दो, तो टोटल कितने हो गए, छः। तो इसमें कहीं कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। इसको हम लोग इसके लिए समझते हैं, ठीक है। हम लोग बोल रहे हैं क्या कि एक काम है ए से सी जाना वाया बी, दिस इज द थिंग विच वी हैव टू डू, इसी के हमको क्या बताने हैं, रस्ते, ठीक है। अब इस काम को करने के लिए हम इस पूरे काम को क्या कर रहे हैं, पूरे जॉब को क्या कर रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। दो पार्ट में कैसे डिवाइड कर दे रहे हैं कि ए से बी जाना और बी से सी जाना, हम लोगों ने इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में, ए से बी जाना और बी से सी जाना। तो ए से बी जाने के रस्ते तीन और बी से सी जाने के रस्ते हैं कितने, दो। अगर हम लोग बोल रहे हैं जो मेन जॉब है अपना उसको कंप्लीट करने के लिए अगर दोनों कामों का कंप्लीट होना जरूरी है, नहीं, अगर दोनों कामों का कंप्लीट होना जरूरी है, मतलब दिस एंड दिस बोथ हैज टू बी डन, ठीक है ना, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, यूज मल्टीप्लीकेशन। उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लीकेशन। जैसे मान लो कि कोई एक काम होगा, कोई एक जॉब होगा कि यहां से यहां तक कुछ करना होगा, ठीक है ना, और उसके तरीके बताने होंगे। तो हम लोग बोलेंगे मान लो उसको हमने डिकम्पोज कर दिया एन वेज में, जैसे यहाँ पे हमने तो कितने वे में किया है, दो, तो मान लो कि n डिफरेंट, ठीक है ना, पार्ट्स में हमने उसको ब्रेक कर दिया। हो सकता हो कि पहले को करने के तरीके हैं m1, दूसरे को करने के तरीके हैं m2, और ऐसे ही जो n है थे उसको करने का तरीका है mn,
और मेन काम को कंप्लीट होने के लिए अगर सबका कंप्लीट होना जरूरी है, ठीक है, तो व्हाट ये वी आर गोइंग टू यूज इज द मल्टीप्लीकेशन रूल। यानी कि हम लोग जब भी एंड वाला सिचुएशन होगा, दिस एंड दिस बोथ, तो हमेशा क्या यूज होगा, मल्टीप्लीकेशन। जैसे हम लोग बोले इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, चेंज ऐसे कर देते हैं, ये मान लो कि देयर इज अ पर्सन ऑलरेडी एट स्टेशन बी, नाउ वी आर कमिंग टू एडिशन रूल। नहीं, हम लोग बोले क्या कि नाउ देयर इज अ पर्सन हु इज ऑलरेडी एट स्टेशन बी एंड द क्वेश्चन इज, नहीं, कोई आदमी है और वो ऑलरेडी स्टेशन किस पे है, बी पे, एंड द क्वेश्चन इज ही हैज टू लीव दिस स्टेशन इन हाउ मेनी वेज ही कैन डू दिस, ही हैज टू लीव दिस स्टेशन इन हाउ मेनी वेज ही कैन डू दिस, फाइव, फिर से क्रैक कर दिया क्वेश्चन। तो हम लोगों ने क्या कि नाउ द आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट, नॉट सिक्स, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, फाइव। क्लियर है? अब बोलो ये कैसे क्लियर है, तो सुनना, हम लोग बोले फिर से लीविंग द स्टेशन बी का मतलब ये नहीं हुआ कि ए ही जाएगा या सी ही जाएगा, हम लोग बोले ए पे भी जा सकता है, सी पे भी जा सकता है। अगर ए पे चला गया तब भी मेन काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि इस बार जो मेन जॉब था दैट वाज टू लीव द स्टेशन, और वो कैसे कंप्लीट हो रहा है, या तो ए पे चला जाए या तो सी पे चला जाए। तो जब भी इस तरीके है कि दिस और दिस, समझ में आ रहा है क्या, दिस और दिस मतलब एंड इंग्लिश वाला और भी इंग्लिश वाला, ठीक है ना, और हिंदी वाला नहीं है, ठीक है ना, और हिंदी वाला होगा तो फिर क्या आ जाएगा, इनटू वाला, ठीक है ना। तो हम लोग ने क्या कि अगर मेन काम है कोई और उसको भी आपने मान लो कि एन पार्ट्स में डिकम्पोज कर दिया है, और किसी भी एक को कंप्लीट होने से मेन काम कंप्लीट हो रहा है, नहीं, हम लोग बोलेंगे कि कोई एक मेन जॉब है जिसको कंप्लीट करने के हमको तरीके निकालने हैं, और हम लोग बोले उसको एन पार्ट्स में डिकम्पोज कर दिया है और किसी पार्ट के होने से मेन काम कंप्लीट हो जा रहा है, तो ऑलवेज वी आर गोइंग टू यूज व्हाट, दिस एडिशन रूल। समझ में आएगा? तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इस केस में क्या आ जाएगा, 3+2 एंड दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 5। ये क्लियर है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, प्लस क्यों लग रहा है, इनटू क्यों लग रहा है? ठीक है, अब कुछ सिंपल से क्वेश्चन है, एक एक करके लिखते जाओ और आंसर करते जाओ। 10 स्टूडेंट्स कंपीट इन अ स्विमिंग रेस, इन हाउ मेनी वेज can they occupy the first three positions? Assuming that no two students touches the finishing line at the same time. इसको हम लोग बोलते हैं नो डेड हिट, मतलब इसी चीज को वी ऑल्सो कॉल दिस टर्म नो डेड हिट, मतलब कोई भी दो साथ में नहीं जाते। आ गया 70। अच्छा, तो हम लोग 10 लोग बच्चे हैं जो स्विमिंग रेस में कम्पीट कर रहे हैं, और हम लोग बोल रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पोजीशंस हैं वो कितनी तरीके से ऑक्यूपाई हो जाए। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अब ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम फर्स्ट पोजीशन के बारे में बात करें, ठीक है, तो वो सब हम लोग फिक्शन इसमें नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है ना, हम लोग नॉर्मल तरीके से ही सोचेंगे, ऐसा नहीं कि 10 के 10 बच्चे सर कूदें और सब उधर ही रह गए। तो उस तरह की बातें अपन नहीं सोचेंगे, ठीक है ना, और हम लोग ये भी नहीं सोच रहे हैं क्योंकि इसमें वो लिख ही दिया है कि 10 के 10 एक साथ ही फर्स्ट पे पहुंच गए, तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई भी दो सेम टाइम पे नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। तो पहले पोजीशन को फिल करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 10। अब अगर 10 हो गए तो हम लोग बोल रहे हैं कि जो दूसरा पोजीशन होगा उस पर पहले वाला नहीं आ पाएगा, ऑफकोर्स नहीं, तो दूसरे के लिए कितने वेज हो गए आपके, 9, और तीसरे वाले को फिल करने के टोटल वेज कितने हो गए, 8। तीनों को फिल करना है तो क्या यूज करेंगे, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन। तो हम लोग वाले मल्टीप्लीकेशन यूज करोगे आप, ऑफ कोर्स ये किसके बराबर आ जाएगा, 720। सेवन फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, या ऐसे देखना, देयर आर 7 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर
देर आर सेवन फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर. देर आर सेवन फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर. फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स. The seven flags of different color. Find the number of different signals that can be transmitted. Find the number of different signals that can be transmitted by the use of two flags. Number of different signals that can be transmitted by the use of two flags, one above the other. One above the other. ताले कि देर आर सेवन फ्लैग्स, ठीक है ना, एफ वन एफ टू एफ थ्री मान लो एफ सेवन तक हैं. और हम लोग क्या कर रहे हैं कि वी आर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स विद द हेल्प ऑफ टू फ्लैग्स. और तरीका क्या है कि हम लोग बोल रहे हैं एक फ्लैग है और उसके ऊपर क्या है, एक और फ्लैग है, समझ में आएगा. और इस तरीके के कॉम्बिनेशन से हम लोग कुछ सिग्नल्स क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट. मतलब कुछ होगा अपना कोड वर्ड, लाल काला लिखा है तो कुछ होगा, हरा पीला में कुछ होगा. तो लेंगे कि जैसे अगर पहले पोजीशन की बात करें तो इसमें कोई भी साथ में से एक फ्लैग आ जाएगा. जब दूसरे पे रखेंगे तो ऑफकोर्स एक फ्लैग यूज हो चुका है, तो हम लोग के पास दूसरे में अवेलेबिलिटी कितनी बची है, छः. तो इन हाउ मेनी वेज, क्योंकि दोनों रखने पे सिग्नल बनेगा, तो दिस विल बी व्हाट, सेवन इंटू सिक्स, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 42 लग रहा हो अभी, तो बताए सारी चीज आ जाएंगे. इसके लिए टू से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको कि सर ये वाला केस छूट जाएगा. जब मान लो कि ऊपर वाले में हमने रेड रखा होगा, नीचे वाले में ग्रीन रखा होगा, मान लो इसमें दो फ्लैग है, एक रेड है और एक ग्रीन है, F1 रेड है, F2 क्या है, ग्रीन. तो जब रेड रखा होगा, सात चॉइसेस थे वहाँ पे, तो एक चॉइसेस में नीचे ग्रीन भी आया होगा. जब ऊपर सात चॉइसेस थे तो ऊपर में कहीं ग्रीन भी आया होगा, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग नीचे जब छः चॉइसेस थे तो कहीं ना कहीं रेड भी आया होगा. तो यानी कि इसमें सारे के सारे कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से तो बन रहे हैं, ठीक है ना. फाइंड द नंबर ऑफ फोर लेटर्ड वर्ड. Find the number of four-letter word which can be formed using only the letters from the word daughter, using only the letters from the word daughter. If each word is to include G, using only the letters from the word daughter, if each word is to include G. तालो ने क्या कि four letter word बनाना है using the letters of this word और हर एक में G होना चाहिए. तो हर एक में G होना चाहिए, तो हम लोगों ने G इनमें से किसी चार position में से किसी एक position को occupy करेगा. यानी कि यहाँ पे G को रखने के तरीके कितने हो गए, चार. मान लो जी किसी एक प्लेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है, तो अब तो वैकेंट प्लेसेस तो तीन ही बचेंगे इन एनी सिचुएशन. चाहे जी यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, इन ऑल द सिचुएशन हम लोग बोल रहे हैं कि अब जो वैकेंट प्लेसेस बचेंगे वो तीन, क्योंकि जी को इंक्लूड करना इज मैंडेटरी. तो ले जी को रखने के चार तरीके हो गए. अब हमारे पास क्या बच गए, ये जो तीन अल्फाबेट्स हैं और इधर जो चार अल्फाबेट्स हैं, टोटल कितने बच गए अपने पास, सात. तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो वैकेंट प्लेस है उसको सात तरीके से भर सकते हैं, और जो यहाँ यूज हो गया अब वो आगे है नहीं, ठीक है ना. तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अब इसके लिए कितने हो जाएंगे, छः, और इसके लिए कितने हो जाएंगे आपके पास, पाँच. तो दिस इज फोर इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 840. तो एक तो ये तरीका हो गया कि जिसमें हम जी को इंक्लूड कर ले रहे हैं और उसके बाद काम कर ले रहे हैं, ठीक है. दूसरा हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि चार लेटर के वर्ड बना रहे हैं, ठीक है, तो लेट अस मेक ऑल द वर्ड्स फर्स्ट. तो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, अल्फाबेट्स आर देयर, एट, ठीक है ना. अब अगर हम एट अल्फाबेट से इन चार पोजिशंस को फिल करें तो हम लोग बोलें कि पहले प्लेस को भरने के तरीके होंगे आठ, दूसरे के लिए सात, फिर छः, फिर ये पाँच. ये तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बन गए ना, किसको नहीं, सारे लेटर्स को यूज करते हुए, ठीक है. तो ये तो वो तरीके हो गए जिसमें जी हो भी सकता है और जी नहीं भी हो सकता है. हमको कौन से तरीके चाहिए जिसमें जी होना चाहिए, तो हम इसमें से क्या घटाएं जिसमें जी नहीं है. अब जी नहीं है तो उसको गोली मारो, हटाओ. तो बच गए कितने, सात. अब इन्हीं से सारे बनाने पड़ेंगे. तो हम लोग बोलेंगे पहले पोजीशन के लिए सात, फिर छः, फिर पाँच, फिर चार. तो मेरे ख्याल से फिर से आप देखोगे तो सात छः पाँच कॉमन आ जाएगा, आठ में चार गया चार, तो दैट इज अगेन गोइंग टू बी व्हाट, 840.
तो टोटल में से घटा के भी निकाल सकते हैं। तो ये भी तरीका पूरे पीएनसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट कैलकुलेशन पे ही जाएं। बहुत बार क्या होता है कि उल्टा कैलकुलेशन करने से जल्दी हो जाता है कि टोटल में से जो इनवैलिड केसेस हैं उसको हटाने से जल्दी सवाल सॉल्व हो जाता है, तो वो भी अपन दिमाग में टाइम टू टाइम रखें। नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स find the number of words which can be formed from the letters of the word miracle from the letters of the word miracle if the vowels occupy find the number of words which can be formed from the letters of the word miracle if the vowels occupy पहला है odd position, दूसरा है even position। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि miracle में total मेरे ख्याल से सात alphabet हैं, right? और हम लोग बोलेंगे कि vowels की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा शायद I, A और क्या E, और consonants में क्या जाएगा M, R, सी और एल। तो पहले वाले में बोल रहा है कि वॉवल्स ऑक्यूपाई द ऑड पोजिशन, राइट, और दूसरे में कह रहा है कि इवन पोजिशन। तो जैसे अगर हम ऑड पोजिशन वाले की बात करें, ठीक है, तो ऑड पोजिशन हो गया ये वाला फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ। तो यानी कि हमारे वॉवल तीन है और ऑड पोजिशन कितने हैं, चार। तो यानी कि डेफिनेट सी बात है कि इनमें से तीन ही पोजिशंस वॉवल ऑक्यूपाई कर पाएगा, यानी कि एक ऑड पोजीशन तो कॉन्सोनेंट ही फिल करेगा, एक ऑड पोजीशन क्या करेगा, कॉन्सोनेंट फिल करेगा। और टू फोर और सिक्स पे डेफिनेटली नहीं, टू फोर और सिक्स पे डेफिनेटली इन चारों में से कोई तीन कॉन्सोनेंट्स होंगे, नहीं इन चार में से कोई तीन कॉन्सोनेंट्स होंगे। तो एक तो तरीका मैं ये सोच सकता हूँ कि पहले मैं कॉन्सोनेंट्स रख देता हूँ। कॉन्सोनेंट्स कैसे रख सकता हूँ, जैसे इस पे मैं कोई भी चार में से एक कॉन्सोनेंट रख देता हूँ, नहीं तो इसको फिल करने के तरीके कितने हो जाएंगे, चार। इसके बाद अगर बात करें तो चौथे प्लेस के लिए हम लोगों ने तीन तरीके होंगे, और छठे प्लेस के लिए कितने तरीके होंगे, दो। समझ में आया क्या कि हम लोग बोले दूसरे प्लेस को फिल करने के चार तरीके, चौथे को फिल करने के तीन तरीके, और छठे को फिल करने के कितने तरीके हो जाएंगे, दो। इस प्रोसेस के बाद हमारे पास तीन कॉन्सोनेंट, सॉरी एक कॉन्सोनेंट और हाँ एक कॉन्सोनेंट और ये तीन वॉवल बच जाएंगे, नहीं समझ में आया, एक कॉन्सोनेंट और क्या बच जाएंगे, तीन वॉवेल। अब ये जो चार चीजें बच गई हमारे पास, इन्हीं से तो हम 1357 भर दें। तो अगर हम इन चारों से 1357 भरेंगे तो डेफिनेटली वॉवेल जो है वो ऑड पोजीशन पे ही मिलेंगे, नहीं इसमें ये नहीं कह रहा कॉन्सोनेंट ऑड पोजीशन पे ना आए, इसमें सिर्फ इतना कह रहा है कि जो वॉवेल्स हैं दैट मस्ट ऑक्यूपाई द ऑड पोजीशन। तो अब हमारे पास चार चीजें फिर से बच गई, नहीं एक कॉन्सोनेंट और तीन क्या बच गए, वॉवेल। तो इसको फिल करने का तरीका, पहले प्लेस को चार, नहीं तीसरे प्लेस को फिल करने का तरीका क्या हो जाएगा, तीन, इसको फिल करने का तरीका क्या हो जाएगा, दो, और इसको फिल करने का तरीका क्या हो जाएगा, एक। इसमें कॉन्सोनेंट और तीन वोवेल कहीं भी इस 1357 में आ सकते हैं। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज, 4 × 3 × 2, जिसमें हम लोग चार में से तीन कॉन्सोनेंट हम रख रहे हैं कहाँ पे, ऑन द इवन पोजिशन ऑफ 4 × 3 = 1, जिसमें क्या बोल रहे हैं कि एक कॉन्सोनेंट और तीन वोवेल। तो दिस इज होपफुली मेरे ख्याल से 5, 7, 6। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा हम ऐसे भी सोच सकते हैं इस चीज को, ठीक है, कि 1, 3, 5 और 7 पे ही आएगा। तो अब कोई बोले कि सर इसको फिल करने के तीन तरीके हो गए, आई या ए या ई, ठीक है ना, इसको फिल करने के भी दो तरीके हो गए, क्योंकि एक तो ऑलरेडी जा चुका है और उसको फिल करने का एक तरीका हो गया। तो वॉवेल के लिए 3 × 1, तो ये गलत हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं बोला है कि 1, 3, 5 पे है, बोला है क्या ऑड पोजीशन पे है। तो हम लोग ऑड पोजीशन में वो 7 पे भी जा सकता था, आपने पहले भर दिया, आपकी गलती है, नहीं हलो हो सकते हैं। यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें चार केसेस बन सकते हैं, एक तो है वॉवल में ऑक्यूपाई 1, 3, 5 जो लिखा मैंने, वॉवल में ऑक्यूपाई 3, 5, 7, वॉवल में ऑक्यूपाई 1, 3, 7 एंड वॉवल्स में ऑक्यूपाई 1, 5, 7। तो मैंने एक तो ये तरीका बता दिया आपको, और ऐसे ऐसे कितने तरीके हो जाएंगे, चार। अब ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं ये इन्हीं प्लेसेस पे तो आएंगे ना जो बचे हुए हैं,
तो जो बचे हुए प्लेसेस हैं इसमें इसको चार, इसको तीन, इसको दो, इसको एक, तो 4 × 3 × 2 × 1 ये किसके लिए हो गया? कॉन्सोनेंट। चार क्यों यूज किया यहाँ पे? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि हम लोग बोल रहे हैं वॉवल्स हैं 135, 137, 357 या फिर 157, इनमें से किसी भी उस पर रह सकता है। अब अगर दूसरा केस की बात करोगे कि आप इवन पोजिशन पे हो, तो मेरे ख्याल से बराबर है, 2, 4, 6 तीन प्लेसेस हैं और तीन वॉवल्स हैं, तो उसको फिल करने के तरीके हो गए 3, 2, 1 और बचे हुए के लिए 4, 3, 2, 1। तो आई होप कि ये कितना है 144 देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड टफ If the letters of the word tough are written, if the letters of the word tough are written in all possible ways, if the letters of the word tough are written in all possible ways, if the letters of the word tough are written in all possible ways, and then are arranged as in a dictionary. And then are arranged as in a dictionary. Then find the rank of the word tough. ठीक है? तो जो tough word है, उसमें जो भी अपने alphabets हैं, उसको arrange कर दिया गया है in every possible way. और फिर arrange कर रहे हैं कैसे? As in a dictionary. तो टोटल ऑफ कोर्स हम लोग बोल रहे हैं कि 120 ही वर्ड्स बना पाएंगे, ठीक है ना भाई, अरेंजिंग दिस, क्योंकि अगर आप पांच वैकेंट प्लेसेस को इनसे फिल कीजिएगा तो 5, 4, 3, 2, 1 तो दैट इज गोइंग टू बी 120 ओनली, ठीक है। तो अगर किसी का रैंक 120 से आगे आ गया तो एक अलग इशू है, बाकी हम लोग बोलेगा कि जो भी होगा 120 से क्या आएगा, कम आएगा। अब डिक्शनरी में तो अल्फाबेटिकली लिखा होता है, देखा हो कभी तो? नहीं, जैसे होता है ना कि जी के बाद ही एच वाले आते हैं, ऐसा नहीं, नहीं देखा कि ऐसा तो कभी नहीं होता कि एच वाला पहले आ गया जी वाला बाद। देख ताने लगे, अगर जो पहला अल्फाबेट की अगर बात करें, सॉरी पहला वर्ड जो बात करें कि इससे जो बना होगा वो कैसे बना होगा, पहले तो क्या होगा? जी, देखो, फिर क्या होगा? एच, फिर क्या होगा? ओ, फिर टी, और फिर क्या होगा? यानी कि जो पहला वर्ड बना होगा वो ये बना होगा डिक्शनरी में, ठीक है। तो पहले जी वाले सारे बन जाएंगे, नहीं जी वाला कोई भी बचेगा नहीं, ठीक है ना। तो पहले जी वाले कितने बनेंगे? तो जी से स्टार्टिंग की अगर बात करें तो जितनी तरीके से इन चारों को यहाँ पे अरेंज करेंगे, बचे हुए अल्फाबेट्स को यहाँ पे, उतने ही बनेंगे। तो यहाँ पे 4, 3, 2, 1 तो इसके कितने बन जाएंगे? 24। फिर उसके बाद एच वाले चालू होंगे, एच वाले भी 24 बन जाएंगे पूरे के पूरे। ओ वाले चालू होंगे, ये भी 24 बन जाएंगे। अब नेक्स्ट कौन चालू होगा? टी वाला। टी के 24 मत बना देना, क्योंकि टफ जो है इसी में कहीं ना कहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग टी वाले पे अब रुकें। अब हम बोल सकते हैं क्या कि टी वाले में अब कैसे बन रहे होंगे? टी के बाद नेक्स्ट अल्फाबेट प्लेस होगा कौन सा? जी। टी जी, टी जी करके सारे बन रहे होंगे। टी जी करके कितने बन रहे होंगे? 3। तो 3, 2, 1 तो कितने हो जाएंगे? 6। फिर टी जी के बाद कौन से बनेंगे? टी एच, टी एच करके, ये भी 6। फिर टी ओ करके चालू होगा। अब टी ओ करके सारे नहीं बना सकते, अब यहाँ रुकना पड़ेगा। अब नेक्स्ट अल्फाबेट कौन सा आएगा? टी ओ के बाद जी, ये दिख रहा है ऑर्डर लिखा हुआ है। अब टी ओ जी करके दो ही वर्ड बन पाएंगे, ठीक है ना। अब फिर टी ओ एच करके बनने चालू होंगे, तो इसके भी कितने बनेंगे? शायद दो। फिर उसके बाद टी ओ के बाद यू आएगा, और उसके बाद डेफिनेटली जी आएगा, और उसके बाद डेफिनेटली क्या आएगा? एच। तो ये एक और काउंट होगा। तो मेरे ख्याल से 72 सही है ना, और 78 और प्लस 1 89, तो इसका रैंक क्या जाएगा आपके पास? 89। नेक्स्ट लिखेंगे, इफ देयर आर एम मंकीज एंड एन मास्टर्स, इफ देयर आर एम मंकीज एंड एन मास्टर्स, in how many ways
इन हाउ मेनी वेज मंकीज कैन बी गिवन टू मास्टर्स, इन हाउ मेनी वेज मंकीज कैन बी गिवन टू मास्टर्स, इफ ए मास्टर कैन हैव एनी नंबर ऑफ मंकीज, इन हाउ मेनी वेज मंकीज कैन बी गिवन टू टू द मास्टर्स, इफ मास्टर कैन हैव एनी नंबर ऑफ मंकीज. The masters can have any number of monkeys. M की पावर M. अच्छा M की पावर N. New. N की पावर M भी ठीक. दोनों सेम तो नहीं आएंगे. पहले वाला. एरिन का फ्रेंडली आंसर. त्रंबक का एक और फ्रेंडली आंसर एन की बारे में. एक और वोट पहले वाले को मिलता हुआ. तुमने दो दो आंसर दे दिए बेटा. बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया. और एन की बार एन तीसरा ये फिर से बराबर वोट हो गया. पहले वाला एक वोट और गिरा पहले वाले को. पहला एक और गिरा सेकंड. अच्छा तुम्हारा काउंट नहीं हुआ क्या अभी वोट? अच्छा पहला जीत रहा है. तेरे हिसाब से तो लिखा है ये दोनों. हो गया. और कोई वोट डालने में इंटरेस्टेड हो या 18 साल की उम्र का इंतजार करोगे? तुम्हारी भी इच्छा हो तो देख लो. फर्स्ट एक और वोट फर्स्ट वाले का. ठीक है. जैसे ही काटा वैसे ही कह रहा है सेकंड सेकंड. अरे भगवान जस्ट बाद बोला तूने. जैसे ही मैंने काटा वैसे ही तूने बोला है. सेकंड कितने मंकीज हैं? एम. समझ लेना नहीं तो ये बार बार इसी चक्रव्यूह में लगे रहोगे. और मास्टर्स एन. एन ही है ना मास्टर्स. किसको बांटना है? मास्टर्स को मंकी में बांटना है, मंकी को मास्टर में बांटना है? एक बार सोच लो. मंकी को मास्टर में बांटना है तो पहली मंकी को पकड़ देते हैं. उस मंकी को हम लोग या तो पहले मास्टर को दे सकते हैं या दूसरे मास्टर को दे सकते हैं या तीसरे मास्टर को दे सकते हैं या चौथे मास्टर को दे सकते हैं या फिर एनेथ मास्टर को दे सकते हैं. तो पहले मंकी को नहीं बांटने के तरीके कितने हैं? काटने के नहीं बांटने के. नहीं एन. वेरी गुड. अब पहला मंकी का खेल खत्म हुआ. अब दूसरा मंकी आएगा तो दूसरे मंकी को अब मास्टर को देना चालू करेंगे. दूसरे मंकी को नहीं जिसको दिया था उसको फिर से दे सकते हैं क्योंकि एनी मास्टर कैन हैव एनी नंबर ऑफ मंकीज. दूसरे वाले मंकी को भी देने का तरीका कितना हो जाएगा? एन. तीसरे वाले को भी देने का तरीका क्या हो जाएगा? एन. और इसी तरीके से एमएथ मंकी को भी देने का तरीके के उतना हो जाएंगे एन. तो ये टोटल कितनी बार आया है? एम टाइम्स. तो द आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? एन की पावर एन. बाकी किसी को कोई आर्गुमेंट करना है तो बोल सकता है. एम की पावर एन के फेवर में कोई कुछ रखना चाहता हो तो रख लो. ठीक है. तो ये आगे चल के पीड़ा देगा तो थोड़ा सही तरीके से सोचना कि क्या काम करना है और फिर उस काम को करने में इंटरेस्ट रखना. नहीं तो जल्दबाजी में बोलोगे सिली मिस्टेक कर दिया तो सिली मिस्टेक नहीं है, इज अ कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है जो हर एक बच्चा करता है और आनंद लेता है उसका.